दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस ऑफिस चेयर के बारे में। और दोस्तों ये ऑफिस चेयर काफी ज्यादा खास और यूनिक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस चेयर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक नॉर्मल ऑफिस चेयर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और दोस्तों वीडियो जो है मैं थोड़ा सा आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको जो लाइटिंग की पोजिशन है वो थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल सके। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो बात आती है इसकी प्राइसिंग की आती है, तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग 7000 से लेके 8000 के अराउंड रहती है। और दोस्तों ये आपको इजिली फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगा। और दोस्तों आपको इसको बाय करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको मेक श्योर करके वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों आइए बताता हूँ आपको इस चेयर की कुछ खास बातें जो आपको एक नॉर्मल चेयर में देखने को नहीं मिलेगी। भाई थोड़ा सा कैमरा पास लेके आना। दोस्तों इस ऑफिस चेयर में आपको कुछ बेसिक चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको एक नॉर्मल चेयर में नहीं देखने को मिलेंगी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, आपको एक नॉर्मल चेयर में सिर्फ यही रेस्ट मिलता है, जबकि इस ऑफिस चेयर में आपको यहाँ पे पैडेड आर्म रेस्ट मिलते हैं जो कि यहाँ पे अलग से लगे रहेंगे। और दोस्तों इस पे आप जब भी बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये पैडेड आर्म रेस्ट आपको दोनों साइड इजिली देखने को मिल जाएंगे, तो दोस्तों इस पे बैठने का एक्सपीरियंस आपका काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और दोस्तों अगर बात करूं मैं नीचे की साइड में, तो दोस्तों जहां पे आर्मरेस्ट आपको ये ऊपर देखने को मिल रहा था, दोस्तों सेम एज इट इज आपको आर्मरेस्ट जैसा ही यहां पे नीचे में भी सीट रेस्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस पे भी आप बैठेंगे तो आप ही लॉन्ग टाइम में अगर आप बैठ जाएं तो भी आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों जिसका बैक सपोर्ट है वो बहुत गजब का है, पूरा ऐसा मेडिकेटेड बनाया गया है कि आप लॉन्ग टर्म में भी अगर इस पे बैठते हैं तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों बात करूं मैं इसके हैंड रेस्ट की, तो जो इसका हैंड रेस्ट है ये भी काफी स्पॉन्जी है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे भी इस पे बैठ के वर्क करते हैं, अगर आपका हैंड को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। जो इसका हैंड रेस्ट है ये भी काफी ज्यादा स्पॉन्जी है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेयर डायरेक्टली आई कैसे होगी, तो दोस्तों ये चेयर आपकी सेल्फ मेड करना है आपको, यानी कि आपको इसको खुद बनाना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चेयर आपकी चार पार्ट में आती है। पहले पार्ट में ये ऊपर की पूरी बॉडी होती है, सेकेंड पार्ट में जो इसके नीचे का लेग है वो होता है, और बीच में एक हाइड्रोलिक लगा होता है जो कि चेयर को ऊपर और नीचे करने में काम आता है, और सिर्फ एक उसका कैप होता है। दोस्तों इंस्टॉलेशन में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो वो एक मिनट का लग जाएगा। मैंने इस चेयर को कम्प्लीटली 30 सेकंड में बना लिया था। आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे सिंपल सा आपको ये जो लेग दिख रहा है इसको रख देना है, इसके ऊपर में आपको एक जो हाइड्रोलिक बीच में लगा हुआ है वो रख देना है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक कैप दिख रहा होगा वो लगा देना है, और उसके बाद आपको सिंपल सा इस चेयर को ऊपर से रख देना है। दोस्तों दैट्स इट, आपकी चेयर पूरी बन के तैयार है और आप इस पे इजिली बैठ सकते हैं। और इसमें जो जितने फीचर मैंने आपको बताए, साइज अप लेके डाउन करना, कुछ भी करना, ये सारी चीजें इस चेयर में पॉसिबल हैं। और दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इसको बैठ के भी दिखाता हूँ, ये काफी ज्यादा आपको रेस्ट देने वाली है। दोस्तों इस चेयर पे बैठने के बाद बिल्कुल मजा ही आ जा रहा है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस चेयर को। दोस्तों अगर आप चेयर बाय करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करके इस चेयर को भी आप एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लें, क्योंकि दोस्तों ये चेयर काफी ज्यादा कंफर्टेबल है अन चेयर्स की तुलना में। और दोस्तों आने वाली मेरी आपको कुछ वीडियोज जो भी आपको चैनल पे दिखेंगी वो इस चेयर पे ही आपको दिखने वाली है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि कभी भी टेक की भी अब हो जाएगी, कभी अनबॉक्सिंग की भी हो सकती है। हालांकि मैं अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग बहुत कम करता हूं, लेकिन आपको अब थोड़ी मोड़ी अनबॉक्सिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।